जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने विभाग बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं कि पंडित में आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको हम पटाखे देंगे। हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे लेकिन अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण पूजा की पूजा होती है। अब बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई मंदिर में जाता है और मंदिर ढुवाता है, बाकी क्या है भाई। हालांकि विवादित बयानों से भी उनका चोरी दामन का साफ हो चला है। हाल में एक बार फिर से एक ऐसा बयान उन्होंने दिया जिसे लेकर वो लगातार चर्चा में है। ये वही जीतन राम मांझी है जिन्होंने कभी धर्मांतरण की वकालत कर दी थी और तब भी इसे लेकर जमकर बवाल हुआ था। तो जहाँ तक अभी हिंदू धर्म का सवाल है अक्सर उत्तर भाषा जाति के हो गए, अभी भी जात पात छुआ छीत ऊंच नीच सारी बात है। अब बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई मंदिर में जाता है और मंदिर ढुवाता है, बाकी क्या है भाई। ऐसा मंदिर है, उस मंदिर में अगर जाना जाता तो आदमी जाता भी नहीं, वहाँ को पेशाब करने के भी नहीं जाता। लेकिन जब ऐसा कर रहा है लोग तो आखिर क्या लोग सोचेगा। इसलिए जो धर्म के पुजारी हैं या धर्म के जो अपने को समझते हैं कि हम ये हैं, अपने में सुधार लाने का प्रयास करें तभी धर्म नामकरण होते। आप जरा याद कीजिए, ये वही जीतन राम मांझी हैं जिन्होंने कभी कहा था कि गरीब और दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली और गरीब मुसलमान मदरसे में पढ़े तो आतंकी। ये वाला बयान भी उन्होंने दिया था जिसे लेकर बहुत ज्यादा उनकी आलोचना हुई थी और तब भी जमकर विवाद हुआ था। ये वही जीतन राम मांझी हैं जिन्होंने कभी कलेक्टर और एसपी को लेकर ये बयान दे दिया था कि वो तो शराब पीते हैं। मंत्री भी उसमें है, ठेकेदार भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, सब लोग कायदे से 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और सो जाते हैं। ये वही जीतन राम मांझी हैं जिन्होंने शराबबंदी वाले राज्य बिहार की जनता को यह नसीहत दे दी थी कि रात के 10 बजे के बाद वो शराब पीकर सो जाया करें। हम अपने लोगों को यही कहते हैं कि तुम क्यों पकड़ाते हो, तुमको भी अगर पीना है और दवा के रूप में शराब लो तो ठीक है। और अब अपने विवादित बयानों पर बिना ब्रेक के उन्होंने भगवान राम को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसे लेकर जमकर उनकी आलोचना हो रही है। उन्होंने दरअसल प्रभु श्री राम की अवधारणा पर ही सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया कि भगवान राम तो काल्पनिक है। आस्था की बात है, कोई भगवान को मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, कोई प्रकृति को मानते हैं कोई अपना ईमानदारी को मानते हैं कोई कर्तव्य को मानते हैं, तो अपनी अपनी बात है। उसी प्रकार से हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। वो महानायक थे, अच्छा अच्छा काम करने की बात उनके माध्यम से कराई गई है, जो नीतियाँ वहाँ बताई गई है और नीति पर चलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दुमत है। एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान उन्होंने मंच से ये भी दे दिया। सत्यनारायण स्वामी की पूजा का जिक्र करते हुए उन्होंने कह दिया कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये कौन है और लोग इनकी पूजा करते हैं। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोगों को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे लेकिन अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और देखिए मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर दरअसल कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित में आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको हम पटाखे देंगे। ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया जीतन राम मांझी ने उसका अब दूर तक असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जमकर इस पर राजनीति भी हो रही है, जमकर उनकी आलोचना भी हो रही है और ब्राह्मण समाज के कई नेता लोग उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। यहाँ तक की जीतन राम मांझी के पुतले भी फूके जा रहे हैं। और इन सबके बीच बीजेपी के नेता गजेंद्र झा का एक तालिबानी फरमान सामने आ जाता है। वो कह देते हैं कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी की जीभ काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए दूंगा। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिहुआ काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। हालांकि बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन गजेंद्र झा को अपने इस बयान पर कोई अफसोस नहीं। उनका यह कहना कि ब्राह्मण समाज के लिए जो बात जीतन राम मांझी ने कही वो उस लिहाज से उनका बयान बिल्कुल सही है। तो जीतन राम मांझी के इस नए और ताजा बयान पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है, वाद विवाद का सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये कि आखिर जीतन राम मांझी इस तरीके के बयान अक्सर क्यों देते रहते हैं, क्यों आखिर एनडीए के लिए वो मुसीबत खड़ी कर देते हैं। दरअसल इस बात को आप समझिए, जीतन राम मांझी जो इस तरीके की विवाद बयानी कर रहे हैं, जो विवादित बातें वो कह जाते हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। वजह है सीटों का समीकरण।
आपको पता है बिहार में किन हालातों में नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। वहां अगर आप वोटों के गणित पर नजर डालें तो बिहार में एनडीए को बहुमत से सिर्फ 5 सीट ज्यादा प्राप्त है, जिसमें बीजेपी की 74 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45, हम को 4 और वीआईपी को 3 सीटें मिली थी, जबकि 1 निर्दलीय है। ऐसे में अगर जीतन राम मांझी का मन डोलता है तो ऐसे में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जीतन राम मांझी तमाम तरह के विवादित बयान देते रहते हैं, फिर भी उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।